भाजपा के तेज सर्रार विधायक रामेश्वर शर्मा ने हनुमान जी को साष्टांग दंडवत करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा, जनता से किया जन सेवा का सनातन संकल्प सदैव निभाऊंगा। हुजूर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विधायक रामेश्वर शर्मा ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल किया। इसके पूर्व वे सुबह घर से निकलकर सीधे चार इमली हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम कर पूजा अर्चना की। शर्मा की धर्मपत्नी संगीता शर्मा ने उन्हें विजय तिलक लगाकर विदा किया। इसके बाद वह क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने हुजूर तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने शुभ मुहूर्त में हुजूर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जब से राजनीति में आया हूँ, मैंने जनसेवा का सनातन संकल्प लिया है। सनातन संकल्प कभी खाली नहीं जाता, इसे सदैव निभाऊंगा। हुजूर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और बाकी जनता जनार्दन का इतने आशीर्वाद और जो उनसे उनके विकास के काम जो मेरी प्रतिबद्धता उसको मैं पूरा करूंगा। उनका इतने आशीर्वाद मेरे साथ था है और परमात्मा की कृपा से मिलता रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।